हेलो, नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड हरी भरी हरियाली का क्षेत्र, ऐसे प्राकृतिक वातावरण का क्षेत्र जहाँ माना जाता है कण कण में भगवान विद्यमान हैं, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गोलू देवता, इष्ट देवता के बारे में। गोलू देवता, जिन्हें उत्तराखंड के पौराणिक देवताओं में से माना जाता है दोस्तों। अल्मोड़ा में गोलू देवता का समर्पित प्रसिद्ध चेदई मंदिर है दोस्तों। मूल रूप से गोलू देवता को गौर भैरव शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि वह कत्यूरी के राजा झाल राय कलद्री की बहादुर संतान थे। ऐतिहासिक रूप से गोलू देवता को मूल स्थान चंपावत स्वीकार किया गया है। एक कहानी के मुताबिक गोलू देवता चंद राजा बाज बहादुर 1638 से 1678 की सेना में एक जनरल के पद पर आसीन थे और किसी युद्ध की में लड़ते हुए वीरता को प्रदर्शित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, उनके सम्मान में अल्मोड़ा में एक चेतई मंदिर भी स्थापित किया गया है दोस्तों। चेतई मंदिर, जिसे चिट्ठियों वाला मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ भगवान गोलू देवता से जो भक्त अरदास लगाते हैं वो अपनी चिट्ठियाँ लिखकर यहाँ भगवान गोलू देवता से अरदास लगाते हैं, जिसके ये कुछ दृश्य हैं दोस्तों। यह दृश्य चेतई मंदिर अल्मोड़ा के हैं, जहाँ चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ अरदास के रूप में भगवान गोलू देवता के लिए भक्तों ने लगाई टंगाई हुई है, उनसे अरदास लगाई हुई है। भक्तगण यहाँ देश विदेश से आते हैं दोस्तों, और यह बहुत ही फेमस एक स्थान माना जाता है गोलू देवता के लिए। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है, यहाँ चेतई मंदिर में इनको भक्तगण अपनी मुरादें चिट्ठियाँ लिख कर देते हैं तथा यह पूर्ण भी होती हैं। आप अगर उत्तराखंड में घूमेंगे दोस्तों, तो आपको जगह जगह देवताओं के मंदिर मिलेंगे। हर पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी के ऊपर हर पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर हर जगह आपको देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सी जगह आपको गोल देवता के मंदिर भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। गोल देवता, जिनका वाहन घोड़ा माना जाता है दोस्तों, माना जाता है कि वो लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो गोल देवता के मंदिर भी आपको बहुत से स्थानों पर उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। यह तस्वीरें कालबिष्ट गोलू डान देवता की हैं दोस्तों, जो कि अल्मोड़ा से बहुत ही करीब पड़ने वाला गोल देवता का ही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ चारों तरफ अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, छायादार वृक्ष हैं, शुद्ध वातावरण है, और इन सभी के बीच गोल देवता का कालबिष्ट भैरव के रूप में विराजमान है, जिसकी कुछ तस्वीरें यहाँ डाली हुई हैं दोस्तों। तो यह वीडियो हमारा गोलू देवता के ऊपर था, और यह कुछ चीज़ें मैंने गोलू देवता के बारे में आपको बताई। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो भी लेके आते रहें। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।